दोस्तों, जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है या थोड़ा सा उस पर बुढ़ापा झलकने लगता है, तब वो ये मानकर चलते कि हमने तो अपना जीवन जी लिया, तब वो जीवन जीते नहीं है बल्कि काटते हैं। और ये कविता मैंने अपने फादर इन लॉ और अपने पिताजी को ध्यान में रखकर लिखी है, और ये कविता मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ। बस बोल मैं रही हूँ और चाहती हूँ कि ये शब्द हर उस बढ़ती उम्र के व्यक्ति के बने जो अपने बुढ़ापे में प्रवेश कर रहा है। तो मैं डॉक्टर वर्षा सिंह इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और इस कविता के सफर पर आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। पंक्तियां समर्पित करती हूँ। असर उम्र का बढ़ता यारो, असर उम्र का बढ़ता यारो, ऐसे मैंने टाला है 60 बरस की वय को देखो, बदल 8 में डाला है। हाँ, बदल 8 में डाला है। झुर्रियां तन को घेरे किंतु, झुर्रियां तन को घेरे किंतु दूर हृदय से रखता हूँ। 55 में शैतानी सारी बचपन वाली करता हूँ। हाँ, बचपन वाली करता हूँ। यारों का मैं झुंड बनाकर, यारों का मैं झुंड बनाकर महफिल खूब सजाता हूँ। खुलकर हंस उनके संग में, खुलकर हंस उनके संग में मैं बच्चा बन जाता हूँ। हाँ, मैं बच्चा बन जाता हूँ। और पानी में छप छप करने का, बचपन में भी किया था और अब भी करते हैं, पानी में छप छप करने का शौक पुराना रखता हूँ। खट्टी मीठी टॉफी वाला स्वाद आज भी चखता हूँ, मैं स्वाद आज भी चखता हूँ। और बचपन में हम जब सड़क पे चलते थे तो पत्थर को ठोकर मार के दूर तक ले जाते थे, तो वो हरकत आज भी करके देखेगा। तब मैंने लिखने की कोशिश की है, ठोकर मार सड़क का पत्थर, ठोकर मार सड़क का पत्थर दूर तलक ले जाता हूँ। बारिश में कागज की कश्ती, बारिश में कागज की कश्ती बच्चों संग चलाता हूँ, मैं बच्चों संग चलाता हूँ। और देखिएगा, सज सज कर शीशे के आगे, सज सज कर शीशे के आगे अब भी मैं इतराता हूँ। बाल नहीं है सर पर फिर भी कंघी रोज घुमाता हूँ, मैं कंघी रोज घुमाता हूँ। खुलकर पत्नी से अब भी मैं, खुलकर पत्नी से अब भी मैं बात इश्क की करता हूँ। उसकी सभी अदाओं पर तो अब भी जान छिड़कता हूँ, मैं अब भी जान छिड़कता हूँ। और बुढ़ापे में थोड़ी बीमारियां लग जाती हैं, तब देखिएगा उनको कैसे दूर किया जाता है। बढ़ती वय की तकलीफों को करके योग भगाता हूँ, दिखा रहा बाहर की उनको मन ही मन मुस्काता हूँ, मैं मन ही मन मुस्काता हूँ। और इस उम्र में थोड़ा भूलने की बीमारी लग जाती है, तब देखिएगा उससे छुटकारा पाने का क्या अंदाज है निराला। भूल न जाऊं चीजों को, भूल न जाऊं चीजों को कागज पर मैं लिख लेता हूँ, भूल न जाऊं चीजों को कागज पर लिख लेता हूँ। हर बार नई तरकीबों से मात उम्र को देता हूँ, मैं मात उम्र को देता हूँ। कांपते पैरों को हिम्मत के, कांपते पैरों को हिम्मत के किससे रोज सुनाता हूँ। रख साथ में छड़ी को अपनी, सैर रोज कर आता हूँ, मैं सैर रोज कर आता हूँ। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरी नाना जी की जो मूछें थी बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन वो जब उनकी उम्र बढ़ती गई, पहले मूछें छोटी हुई और बाद में तो वो गायब भी हो गई, वो राज हमें कभी समझ में नहीं आया। लेकिन अब मुझको समझ में आया कि उन्होंने मूछें अपनी साफ क्यों की। आप पंक्तियों से समझ जाएंगे। बढ़ती उम्र की दस्तक को, बढ़ती उम्र की दस्तक को रोक वहीं पर देता हूँ। बालों को काला करके मैं मूछ साफ कर देता हूँ, मैं मूछ साफ कर देता हूँ। और अंतिम देखिएगा, उड़ाए बुढ़ापा खिल्ली, उड़ाए बुढ़ापा खिल्ली रिटायर 60 पे करके दूजी पारी शुरू करूं, मैं क्यों रहूं उम्र से डर के, मैं क्यों रहूं उम्र से डर के। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सफर मेरे साथ बहुत अच्छा लगा होगा और आपको आनंद आया होगा। तो आपके घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको ये कविता जरूर सुनाइएगा, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा, कमेंट भी, शेयर भी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी, बस आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।